हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाएंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नींबू का अचार बनाना बताऊंगी, जिससे कि आपका नींबू का अचार कभी खराब नहीं होगा। तो आइए नींबू का अचार बनाना शुरू करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो नींबू को पानी में अच्छे से धोकर एक सूखे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये नींबू लेंगे और इन्हें इस तरह कट करेंगे। तो पहले हम नींबू को दो टुकड़ों में इस तरह कट करेंगे और फिर एक टुकड़े के इस तरह चार टुकड़े कर देंगे। आप चाहें तो नींबू के अपने हिसाब से थोड़े से छोटे बड़े टुकड़े भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक नींबू को इस तरह कट कर लिया है। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारे नींबू को कट कर लेंगे। तो नींबू का अचार बनाने के लिए हमेशा पतले छिलके के नींबू का ही यूज करें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हमारा नींबू का अचार जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी नींबू का अचार बनाएं तो पतले छिलके के नींबू का ही यूज करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सारे नींबू को इस तरह कट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो अब हम इसमें दो बड़ी चम्मच नमक डालेंगे, आधा बड़ी चम्मच काला नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, दो बड़े चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला यूज़ किया है। इसे बनाने की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ मैंने नींबू में सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और अचार को एक दिन के लिए इस तरह ढक कर रख देंगे, ताकि सारे मसाले अचार में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और जो हमने इसमें चीनी डाली है वो भी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ एक दिन हो गया है, प्लेट हटाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और नींबू ने सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ हमारा अचार बनकर रेडी है। तो अब हम एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और अचार को इसमें डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने नींबू के अचार को कंटेनर में निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक महीने के लिए कंटेनर में बंद करके रख देंगे, ताकि हमारा नींबू का अचार अच्छे से गल के खाने लायक हो जाए। आप इस अचार को साल, दो साल, तीन साल रखकर खा सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होगा। बस ध्यान रखेंगे कि नींबू का अचार को जिस कंटेनर में रखेंगे वो बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए, और जब भी अचार निकालें तो उसे सूखी और साफ चम्मच से निकालें। ऐसा करने से आपका अचार काफी लंबे समय तक चलेगा। तो ये हमारा बहुत ही खट्टा मीठा नींबू का अचार बनकर तैयार है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।